ये देखो जी, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत और ट्रेडिशनल हारें कल्चर शॉप है। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। अब ये दूसरे आप लोगों को दिखाते हैं इस तरह का। ये देखिए ये गिफ्ट शॉप है और यहाँ पे ये शॉप्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम वापस टर्न करते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। चलो आ जाओ, अब हम फूड स्ट्रीट में हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट तक हम पहुँच चुके हैं। हाँ, मटका चाय जाके पिएंगे, बट अभी हम यहाँ से वापस जाएंगे दोबारा इसी फूड स्ट्रीट के अंदर। शाम के टाइम पे इस जगह का नज़ारा ही, इस जगह के जो नज़ारा है वो अलग ही होता है। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लाइटिंग की वजह से चमकते हुए और इस पुरकश जगह लगता है, दिल करता है यहीं पे ही रह लूँ, ऊपर छत पे घर बना के। तो काफ़ी अमेजिंग जगह है, ट्राई कीजिएगा, हर कोई यहाँ पे आए विज़िट करें, देखें, एक्सप्लोर करें चीज़ों को। काफ़ी मज़ेदार जगह हैं। ये मिस्टर तमाशा राना मुजफ्फर जिसको हम कहते हैं, ये हमारे साथ साथ चल रहे हैं और हम पहुंच गए हैं मटके वाले चाय के पास। जी सर, हवेलियाँ जो रेस्टोरेंट है वो इस जगह पे है, इसी फूड स्ट्रीट के अंदर, और काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं। हम चाय पीने के लिए इधर बैठे हैं और मटके वाले चाय ऑर्डर किए हैं। अब चाय आएंगे तो हम पी लेते हैं। फिलहाल हम थोड़ी देर रेस्ट किया है क्योंकि काफ़ी देर से हम चल रहे थे, घूम फिर रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी थकावट भी है, तो अब थोड़ी देर रेस्ट किया। तो एक मटका चाय का वेट कर रहे हैं, सामने का बड़ी चला रही है। ठीक है, आप आपकी इच्छा दिखा रहे। ये देखिए जी, तो ये हमारे पास आ गया है मटके वाला चाय। ठीक है जी, ये मटके वाला चाय है और ये है जनाब गुड़। अब हम चाय में गुड़ मिक्स करेंगे। ठीक है, ये रहा, हम आप इसमें मिक्स करेंगे। और वो कहना जो वहाँ आप इसको मिक्स करेंगे, फिर हम पियेंगे। ये बहुत ही मीठी बनेगी, भी लगाते हैं ना। हम इधर आए हुए मटके वाले चाय पीने के लिए। ये देखिए, काफ़ी मज़ेदार चाय है जो कि हम पियेंगे। गुड़ हमने डाल दिए हैं। ये देखिए, काफ़ी मज़े की बनी। और सो
ये जी है मटका चा। बस आ चुकी है हमारी और वी आर डन विद आवर, अब काफ़ी थक चुके हैं स्टाफ और अब हम वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा चल भी थक जाते हैं, नहीं काफ़ी बस मछली वगैरह देख के 4-5 घंटे हम घूम चुके हैं, वापस जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं। ये रहा जी हमारा बस, लेकिन ये वापिस जा रहे वापिस जा रहे वापिस वापिस वापिस